सर, आपको क्या लगता है कि क्या गलती हुई आज, और काफी क्लोज मैच था? मैच काफी रोमांचक था। लास्ट मोमेंट पे हम थोड़ा सा डिफेंस की वजह से सिद्धता को खो गए, और उस टाइम पे हमारे दो एक नंबर जाने से हम थोड़े से लूज हुए, फिर लास्ट मोमेंट पे नहीं संभल पाए। डिफेंस की वजह से थोड़ा सा हम राइट कवर हमारा थोड़ा लूज रहा, तो उस वजह से हम मैच को लूज किया, लेकिन मैच बहुत अच्छा था। कबड्डी की ऐसे होना चाहिए, हार जीत तो चलती रहती है। सर, काफ़ी मैच में बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स थे जब तमिल तलाइवर्स आगे थे और पुणे बाद में वापस में आगे आके टाई कर दिया, तो वो समय में कैसे क्या लगता है कि आपको क्या कहाँ पे गलती होगी? नहीं सर, हेलो, लास्ट पाँच मिनट लग भी हम आगे थे, पूरा मैच हम आगे रहे हैं। जो हमारा चार का डिफेंस था, पाँच में वो डिफेंस नहीं रुक पाया, और जिसके कारण लोना भी हमारे जो लगा है नहीं, ऐसे टाइम पर लगा, टाइम भी कम था जिसको हम कवर नहीं कर पाए, लेकिन काफ़ी रेड रन कोशिश की, लेकिन हम नज़दीक आए, लेकिन उस इसका आंकड़ा पार नहीं कर पाए टाइम। सर, टीम फाइनल में नहीं पहुंच पाई, लेकिन जिस तरह पूरे टूर्नामेंट में टीम ने परफॉर्म किया, आपको कितनी खुशी है इन यंग प्लेयर्स के परफॉर्मेंस से? मैं प्लेयरों के परफॉर्मेंस से खुश हूं, लेकिन थोड़ा सा एज ए कोच दुख उस टाइम होता है जब जो कैच बनती है वो कैच नहीं बनाई गई हमारी स्ट्रेटजी के मुताबिक, चार और पाँच में हमारा डिफेंस नहीं रुक पाया, तो उस वो थोड़ा सा दुख तो है, लेकिन खुशी है। ये गेम है, हार जीत की कोई बात नहीं, और हमारी टीम यहाँ तक पहुँची है, ये हमें अत्यंत खुशी है। सर, आपको लग रहा है कि लैक ऑफ एक्सपीरियंस थोड़ा काम टीम के खिलाफ गया लास्ट में जाके? निश्चित तौर पे, हमारे सारे बच्चे हैं 19, 20, 21 साल की एज है सबकी, सबका पहला टूर्नामेंट है लगभग, और वो जो सिचुएशन है उसको कंट्रोल नहीं कर पाते हैं एक्सपीरियंस की वजह से, तो हम चूक गए थोड़ा एक दो मोमेंट पे, वरना हम ये कह पाते कि हम कम एज वाले भी एक्सपीरियंस प्लेयर की तरह खेलें, लेकिन हम थोड़ा सा लेस एक्सपीरियंस था, तो बच्चे थोड़ा डाउन हो गए और कंट्रोल नहीं कर पाए। सब पॉजिटिव्स क्या देखेंगे आप पूरे सीजन के लिए टीम के लिए? हमारी टीम के लिए पूरा का पूरा मैं पॉजिटिव दृष्टि से देखता हूँ। किसी को ये आशा और उम्मीद नहीं थी कि हम प्लेऑफ में भी जाएंगे या हम दो मैच लगातार जीत पाएंगे। धीरे धीरे लोगों को बहुत शक पैदा हुआ कि ये टीम एक से कैसे जीत गई, दो से कैसे जीत गई, तीन से कैसे जीत गई। जब ये लगातार निरंतरता आगे बढ़ती रही और ये जीतती रही, तो हम सबका शक भी दूर होता रहा कि वास्तव में ये एक बैलेंस टीम है, अच्छी टीम है रेडर के हिसाब से और डिफेंडरों के हिसाब से। तो ये यहाँ तक जो पहुँची है टीम, वो अपने दम और खम के कारण पहुँची है, अपने अनुशासन और एकता के कारण पहुँची है, और प्लेयरों की जो डेडिकेशनता है उसके कारण पहुँची है, और मैं इस परफॉर्मेंस से दुखी न होकर बहुत खुश हूँ। ज़रूरी नहीं है कि जो पार्टिसिपेट करे वो मेडल ले, अगली बार ट्राई करेंगे, और अच्छी फाइट दी है। पुन्ना में बहुत अच्छे रेडर थे, डिफेंडर भी थे, लेकिन हमारे बिल्कुल हम 35 मिनट तक तो हमारी टीम आगे रही है, लास्ट 5 मिनट में हमें एक दो के डिफेंस में गड़बड़ करके सारा गड़बड़ हो चुका था, और वो हम कवर नहीं पाए थोड़ा सा टाइम की वजह से। लेकिन ज़्यादातर मैं लास्ट 5 मिनट में यही कह सकता हूँ कि भाई एक्सपीरियंस की बच्चों में कमी थी, इसी तरह था, नहीं कर पाए, लेकिन अच्छा है, वेल डन, बहुत अच्छे खेले, कोई बात नहीं। कोच साहब, हार्ड लक पहले तो आपको, और जैसा आपने खुद कहा कि यंग प्लेयर्स हैं काफ़ी आपके, तो अभी जो ये यंग प्लेयर्स हैं इस पॉइंट पे सेमीफाइनल्स में हारे हैं और पहली बार इस लेवल पे तमिल तलाइवर्स पहुंची थी, तो अभी आप उनको अभी क्या कहोगे जो इस हार के बारे में है, आप क्या कहोगे उनको कि कैसे ले इस हार को? नहीं, हम एक हार को अपने हृदय पे ले लेते हैं। पुन्ना के साथ हमारा ये तीसरा मैच था, 35-36, दो बार तो एक नंबर से हम जीते हैं, एक बार वो जीते हैं, और अब हम 35-36 मिनट तक आगे रहे, तो नेचुरली मैं तो ये कह सकता हूँ हमारे जो न्यू टैलेंट हैं
वो अच्छे हैं, थोड़ा सा दो चार मिनट में कंट्रोल न होने के कारण वो जीते हैं। और पूरी संदेश भी यही जाता है कबड्डी खिलाड़ियों में कि नए बच्चे हैं वो आगे बढ़ेंगे और अच्छा करेंगे, जो इन्होंने करके दिखाया है। हाँ सर, मेरा सवाल आपसे ये है कि जिस तरीके से आपने कहा 35-36 मिनट तक टीम आगे थी और मतलब बहुत अच्छा खेली भी, तो जो बीच में टाइम आउट थे, पहले टाइम आउट के बाद आपकी टीम आगे थी, तो उस समय पे आप क्या टीम को बता रहे थे, क्या आपका मैसेज था उस समय पे? मैंने जो टीम को बताया था उसके विपरीत हो गया। मैंने टीम को बताया था 3 मिनट शिथिरता रखो, हम जीत निश्चित है। लेकिन वो आते ही 5-7-8 सेकंड में उन्होंने अपना डिफेंस खो दिया। अगर हम बैलेंस रख के खेलते तो निश्चित तौर पे हमारी जीत थी। हाँ, और दूसरा सवाल आपसे ये है कि जिस तरीके से टीम ने कमबैक किया सीजन में, क्योंकि मतलब बहुत काबिले तारीफ है, तो आप मतलब इस पूरे सीजन से क्या लेके बाहर जा रहे हो? पहले तो युवाओं ने बहुत अच्छा खेला है, तो आपको क्या लगता है ये सीजन से आप मतलब क्या लेके जा रहे हो, क्या अच्छी चीज़ है इस सीजन से? इस सीजन से मैं ही नहीं, पूरा खेल जगत और खिलाड़ी बहुत कुछ लेके जा रहे हैं हमारी टीम से सीख के। प्लेयर्स की भावना, प्लेयर्स का अनुशासन, प्लेयर्स की एकता, लेस एक्सपीरियंस में बहुत अच्छा प्रदर्शन करना, बहुत अच्छी अच्छी टीमों को हराना, तो ये हमारी टीम ने एक पूरे युवा खिलाड़ियों को संदेश दिया है। ये आगे हमारे और देश के बहुत काम आएगा और नए बच्चों का हौसला अप होगा। ये वास्तव में किसी को ये यकीन नहीं था तमिल तलाईवास यहाँ तक पहुँच जाएगी, और वो भी हार जीत एक दो नंबर की होती है, कोई बात नहीं, वो भी बहुत अच्छी टीम, जितने भी अच्छी टीम उससे बहुत अच्छी फाइट करके आगे आई है। तो हम यहाँ से यही संदेश लेके जा रहे हैं और संदेश दे भी रहे हैं भावी पीढ़ी को, अच्छा खेलो, इसमें कोई शक ही नहीं है कि नौजवान बच्चे हैं आने वाले, वो अपना डर से खेलें, भय से खेलें, साइकोलॉजिकल इफेक्ट से खेलें, सीनियर प्लेयरों से ये दब के खेलें कि ये तो सीनियर प्लेयर है, मैं कुछ कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। हर बच्चा जो ग्राउंड में है उसको चांस मिले वो करने का प्रयास करेगा, ये संदेश हमारी टीम ने भी दिया है। आशन सर, मेरा एक आखिरी सवाल है, कितना मतलब रखता है ये तमिल तलाईवास की ये इस सफ़र को लेकर, और इन जनरल तमिलनाडु में जो कबड्डी और बढ़ेगी, बिकॉज पहली बार तो सबसे पहले तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन कि आप पहली बार प्लेऑफ्स तक पहुंचाए, और कितना मतलब रखेगा तमिलनाडु इन जनरल इन कबड्डी और पूरे देश के लिए? विशेष तौर पे तमिलनाडु में हमारे फैंस बहुत हैं, और तमिलनाडु के अंदर हर चौराहे पे, हर मॉल में, तकरीबन हर शहर में 10-10, 15-15 स्क्रीन लगी हुई है और लोगों ने देखा है, बड़ा आनंद लिया है। उससे आने वाली भावी पीढ़ी बहुत कुछ सीखेगी और नेक्स्ट सीजन में बच्चे आगे आने का प्रयास करेंगे। हम अपने जो प्रदर्शन किया है, सभी पत्रकारों का, सभी दर्शकों का, सभी हमारे फैंस का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं, और आने वाले नेक्स्ट सीजन में हम आप लोगों का और अच्छा हौसला अफजाई करने के लिए अच्छा प्रदर्शन करेंगे। इसी के साथ हम इस सीजन से अच्छी पोजीशन लेके निकल रहे हैं, बहुत बहुत दर्शकों का धन्यवाद। सर एक आखिरी सवाल आपके लिए, जो इतना मेहनत हुआ है तमिल तलेबाज, तो प्लेऑफ्स जैसे सर बोले थे कि प्लेऑफ्स आने का ही थॉट नहीं था, तो ये मेहनत के बारे में क्या बताना चाहेंगे? जो कोचिंग में मेहनत हुआ है यंगस्टर्स के साथ काम करना, वो मेहनत के बारे में थोड़ा बताइए, आप दोनों का पार्टनरशिप जो कोचिंग में रहा है। देखो, यंग प्लेयर थे, हमको इनको एकजुट एक इनमुटी खेल खिलाने के लिए, कम्बिनेशन बनाने के लिए थोड़ा हमने टाइम लगा, लेकिन हमने अच्छा काम किया, लेकिन ये खेले भी अच्छा। लेकिन वही बात है, हम लास्ट मैच है इस चीज़ पर हमारा, क्यों कोई अंदर एक्सपीरियंस प्लेयर नहीं था, कंट्रोल टीम नहीं हो पाई, जिसके कारण हम आज 2 पॉइंट से लूज हो गए। अगर ऐसा कोई अंदर कंट्रोलर अच्छा एक्सपीरियंस प्लेयर होता तो ऐसी स्थिति नहीं होती, आज हम फाइनल में प्रवेश कर लिए कर जाते। सर, आज आपने फजल को काफ़ी संभाल के रखा था, कंट्रोल में रखा था, पर आपके गेम तब भी आप हार गए, आपके बताएं गेम कहाँ पलटा उनके लिए? फजल को संभाल के रखा, आपने कंट्रोल करके रखा था उन्हें? नहीं, वो तो वो करेंगे कंट्रोल, हम फजल को कैसे करेंगे तो आपके बताएं गेम कहाँ पलटा? पर
जब आप लीड में भी थे उसके बाद गेम पलटा, पर वो किस पहरे में पलटा? नहीं, फजल पे तो हमारी पूरी प्लान थी और वो प्लान लगभग थोड़ा सा बच्चे डर गए, एक दो फैल हुई है, लेकिन हमारी फजल पे तो कोई, उनके रेड्रो ने ही हमारे से नंबर ले गए डिफेंस में, तो फजल से तो अच्छा राइट कॉर्नर खेले हैं, फजल पे तो हम हमारे रेडर टच भी हुआ है, नंबर भी ले आए हैं। फजल का हमारे दिल में कोई भय नहीं था, भय तो हमारा किसी का नहीं था, प्लान थी और हम उसमें सक्सेस हुए। सर आप इस मैच में असलम और मोहित नहीं खेल रहे थे जी, असलम और मोहित नहीं खेल रहे थे पुणे की तरफ से, हाँ। तो आपके मुताबिक कोई एडवांटेज था आपके लिए? नहीं, उनके बचे हुए जो बेंच के प्लेयर हैं वो भी उनसे कम नहीं है और उतना स्कोर जो शिंदे है ये दे पाए हैं, मतलब बराबर के प्लेयर हैं वो, उसमें कोई उनके फर्क नहीं पड़ा। और सर आपके लिए आखिरी सवाल, आपके होता है कौन जीतेगा इस बार टाइटल फाइनल में? जी, जो अच्छा खेलेगा। थैंक यू सर।